नमस्कार किसान भाइयों, आप खेती तो बहुत करते हो, ना ही आपको खेती से कोई अच्छी खासी इनकम होती है और ना ही अभी तक आप खेती के अंदर ग्रो कर पाए हो। केवल आप स्ट्रगल ही कर रहे हो क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। करें तो क्या करें, एकमात्र आपके पास खेती है, इसलिए आप खेती कर रहे हो। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ 5 गलतियाँ जो आप अपनी खेती के अंदर करते हैं और उन गलतियों की वजह से आप अभी तक खेती से ग्रो नहीं कर पाए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप 5 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, वो गलतियाँ अपनी खेती के अंदर नहीं करते हैं तो आपको खेती से ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। साथ ही कभी भी खेती के अंदर आपको घाटा नहीं होगा और आप भी खेती से बढ़िया तरीके से ग्रो यहाँ पर कर सकते हो। किसान भाइयों, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर लगभग 20% किसान ऐसे हैं जो खेती से अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं। वो सभी वो काम कर रहे हैं जो कि एक नौकर पैसा है बिजनेसमैन आदमी करता है। तो वो क्या ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं और हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम खेती में ना तो कोई अच्छी खासी इनकम कर पाते हैं और ना ही खेती से यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। केवल एक तरीके से ही धक्का मार के या खींच के खेतियों को लेके जाना है क्योंकि और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। करें तो क्या करें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहली गलती जो हमारे यहाँ पर किसान भाई करते हैं वो होती है कि भैया वो क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, ट्रेंड में चलते हैं। भेड़ चाल का मतलब ये है कि मान के चलना पिछले बार गोभी के रेट ज़्यादा थे, मान के चलना कि पिछले बार जो है रामकिशन ने गोभी लगाई, तो इस बार भी क्या होगा, अधिकतर किसान भाई गोभी की तरफ चलेंगे। जब अधिकतर किसान भाई गोभी की फसल लगाएंगे तो आप जान सकते हैं मार्केट में जब चीज़ की डिमांड कम होगी और पैदावार ज़्यादा होगी तो उसके रेट यहाँ पर कम मिलेंगे। तो इस वजह से होता है क्या है कि वो सारे के सारे क्या करते हैं, गोभी फसल की तरफ टूट जाते हैं या गोभी फसल लगा देते हैं। तो इस वजह से होता है कि गोभी का कोई रेट यहाँ पर नहीं मिलता और अच्छा खासा उन्हें घाटा हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करें, आपको यहाँ पर ट्रेंड में नहीं चलना है, आपको भेड़ चाल में नहीं चलना, आपको डाइवर्ट होना इस चीज़ से। मान के चलना पिछले साल गोभी के रेट ज़्यादा थे, आलू के रेट कम थे, तो यहाँ पर इस साल आपको आलू लगाना है क्योंकि आलू के रेट आपको मिल सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर दो बात आती है, अधिकतर किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं किसान भाइयों, परंपरागत खेती जो होती है उसके जो रेट होते हैं वो निश्चित होते हैं। उसके अंदर देखिए, परंपरागत खेती से मतलब ये होता है जो कि उसके जो रेट होते हैं निश्चित होते हैं, उसके अंदर आपको पता है कि एक लिमिटेड तक इनकम हो सकती है, यानी आपकी जो इनकम होगी वो 8,000 से 10,000 बीघे तक की हो सकती है, ऐसा आपकी नहीं हो सकती। लेकिन अगर सब्जी वर्गीय खेती की बात करें तो यहाँ पर आपकी कोई इनकम जो है लिमिटेड नहीं होती है, क्योंकि सब्जी वर्गीय खेती के अंदर आप मात्र 1 बीघा से 30 दिन के अंदर 1,00,000 रुपये भी कमा सकते हैं और 10,000 रुपये भी कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर परंपरागत खेती ना करके सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं वो करनी है, क्योंकि इसके अंदर भैया कोई इनकम निश्चित नहीं होती। सही तरीके से पैदावार हो जाती है और अच्छी तरीके से आपको रेट मिल जाता है तो आप मात्र 1 बीघा खेती से 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं 30 दिन के अंदर, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। नंबर 3 पर किसान भाइयों हम बात करते हैं कि आपको दुकानदारों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना। क्यों? क्योंकि देखिए, अधिकतर दुकानदार जो हैं 50% दुकानदार हैं उन्हें तो सही नॉलेज होती है, लेकिन 50% दुकानदार होते हैं यहाँ पर खाद बीज दवाई वाले, इनको कोई खास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, किसानों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि भैया वो कोई पेस्टिसाइड या खाद का स्टोर खोल के बैठे। तो अधिकतर ये जो होते हैं शहर वाले या अलग होते हैं, तो इन्हें कोई खास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस तरीके की। वो केवल इस डिपार्टमेंट में रहते हैं कि भैया ये फार्मूला है। मान के चलना, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि इसमें भैया प्रोफोन पर 40% ईसी में है, तो उन्हें ये पता होता है कि प्रोफोन पर 40% ईसी में है, ये इस काम के लिए आता है टेक्निकल। बाकी सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है वो किसान को होती है, क्योंकि किसान उसको फॉर्मूले को अपने खेती के अंदर लगातार रेट देखता है। तो आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना होगा और आपको खेती के अंदर हर दवाई का पता करना पड़ेगा कि कौन सी दवाई कितना बेहतरीन रेट देती है और किस तरीके से हम यहाँ उसके यहाँ पर रेट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो क्या करना है, आपको खुद ये चीज़ देखना, आपको दुकानदारों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, इसी वजह से आप अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 4 पे किसान भाइयों एक चीज़ और आपको ध्यान देखनी है कि आपको यहाँ पर वैरायटी, देखिए किसी भी जो माल होता है, हमारी जो खेती होती है उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है निर्भर करती है वैरायटी के ऊपर। जो किसान सही वैरायटी का चयन करते हैं वो अच्छे तरीके से उत्पादन लेते हैं और बढ़िया पैदावार भी यहाँ पर लेते हैं। वहीं जो किसान थोड़ी सी वैरायटी का चयन गलत कर लेते हैं, ना तो उन्हें अच्छी खासी कोई इनकम होती है और ना ही वो यहाँ पर पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, खेती के अंदर वैरायटी जो है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। क्योंकि भैया जितनी बढ़िया वैरायटी का आप चयन करेंगे आपका माल ही बढ़िया निकलेगा, साथ में जो पैदावार होगी वो भी आज की डेट में वैरायटी के ऊपर ही निर्भर करती है। तो आपको क्या करना है, सही वैरायटी का सिलेक्शन करना, सही वैरायटी का चयन करना, तभी आप इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो पूरी पैदावार निर्भर करती है वो करती है भैया आपकी वैरायटी के ऊपर। तो जब भी वैरायटी का चयन करें, बढ़िया करें, अच्छी करें, ताकि आपको इनकम अच्छी हो, पैदावार बढ़िया निकले और आपकी आय बढ़े। यहाँ पर नंबर 5 पे एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूँ किसान भाइयों, देखिए आपको करना क्या,
आपको प्रतिदिन अपनी खेती की देखभाल करनी है, क्योंकि खेती के अंदर आज के टाइम में ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि पता चला सुबह में हमने देखा तो सही थी और शाम होते होते उसके अंदर रोग भी एंटर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि माइट हो गया, वायरस हो गया, थ्रिप्स हो गया, कुछ ऐसे रोग होते हैं कि अगर हमने एक दिन भी दवाई लगाने में चूक कर दी या एक दिन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो हमारी पूरी फसल जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आज की डेट में हमें खेती के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अगर एक दिन भी हमारी यहाँ पर दवाई लेट हो जाती है किसी कारणवश तो यहाँ पर हमारी पूरी फसल ख़राब हो सकती है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो क्योंकि देखिए हमें दवाई का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैम्प में ऐसे ऐसे रोग खेती के अंदर आते हैं कि पता चला आज तो भैया खेती सही थी, कल दवाई लगा देंगे तो कल के चक्कर में जो है जो पूरी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आपको खेती के अंदर प्रॉपर ध्यान रखना है, देखभाल करनी है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको जो करनी है यहाँ पर मिश्रित खेती करनी है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे देश के अंदर आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ज़मीनें यहाँ पर कम हो रही हैं। तो ऐसे में भैया आपको मिश्रित खेती करनी है, एक खेती के अंदर डबल खेती, जिससे क्या होगा कि आपको इनकम अच्छी होगी और आपको खेती के अंदर कभी नुकसान नहीं होगा। मान के चल रहा अगर एक फसल किसी कारण से आपकी ख़राब हो जाती है तो आप दूसरी फसल से यहाँ पर पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आलू में मिर्चें भी लगाई हुई हैं, और जैसा कि अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि इस समय आप देख पा रहे हैं मैंने मेथी के अंदर यहाँ पर गोभी लगाई हुई है। तो देखिए ज़मीनें कम हैं किसानों के पास, अधिकतर ज़मीनें कम हैं, और साथ में क्या है कि यहाँ पर अगर हम डबल फसलें करेंगे एक खेती के अंदर तो यहाँ पर हमें नुकसान कम होगा, इनकम अच्छी होगी, और किसी कारणवश अगर हमारी एक फसल ख़राब भी हो जाएगी तो भी हम यहाँ पर अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई जो मैंने बातें बताई हैं वो आप समझ गए होंगे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदा होगा और खेती से आप ग्रो भी यहाँ पर कर सकते हैं।